हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। 2021 आ गया, मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूँ लाइफ का क्या चल रहा है। लाइफ चल रही है, ड्रिंक चल रही है, गाड़ी चल रही है, वन ऑफ माय फेवरेट जो चाहिए थी, कपड़े अच्छे हैं, जेब में सेविंग है, सब कुछ है। ऑस्ट्रेलिया में खड़ा हूँ, अयाशी वाली लाइफ जो एक्सपेक्ट कर सकते थे वो सब कुछ कर लिया मैंने, समझ रहे हो। पैसे भी हैं, घर वाले भी ओके, माँ बाप बहन भाई ओके। जो लाइफ अपडेट है ना वो ये है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितनी भी लाइफ गुजार लो आप, जैसे भी है, मुझे नहीं पता कनाडा अमेरिका की क्या लाइफ चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पर जितना भी मैं पैसा कमा लूँ, जितना भी मेरे पास अयाशी आ जाए, जितना मैं अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ ले लूँ, अच्छे से अच्छे बिजनेस कर लूँ, जॉब कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन जो एक चीज़ मिस करता हूँ ना वो यहाँ पर वो साला सेटिस्फेक्शन नहीं, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। इवन लाइफ अपडेट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2021 हो गया, अभी भी मेरे अंदर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हूँ। पैसा कमा रहा हूँ, रोज सुबह काम कर रहा हूँ, पिछले 6-7-8 दिन से मैंने अभी तक कोई डे ऑफ नहीं लिया, और दिन ब दिन काम कर रहा हूँ, रोज ब रोज काम कर रहा हूँ, और अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, अपने 10 दोस्तों से ज़्यादा अच्छे पैसे कमाता हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ, बस सिर्फ ये जाहिर करता हूँ भाई जॉब चल रही है, लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं है, वो दोस्तों की कॉल नहीं है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ बताते थे कि हम भाई हम लोग चाय पे जा रहे हैं, हम लोग ये नहीं पूछते थे किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ जाके बैठ रहे हैं और बैठ रहे हैं और बैठेंगे तो पूरी रात बैठे रहेंगे, हंसते रहेंगे, अयाशी चल रही है, फजूल की बात है उसका इसके साथ चक्कर लग, लेकिन मज़ा आता था वहाँ पर। वो जो मज़ा होता था ना, वो जो अयाशी होती जिसके अंदर हम लोगों को पता होता था कि ये मेरे दोस्त हैं और मैं और ये, हम दोनों जो बात करेंगे हम लोगों का लेवल एक सेम होगा, हम लोगों को पता होगा कि हमारी गैदरिंग क्या है, हम दोनों के अंदर बैठ के बात क्या होगी, लड़के क्या बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्या बात चल रही है, बिजनेस में क्या चल रहा है, समझ लो एक वो मज़ा होता था। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, पाकिस्तान में पैदा हो गए, हो सकता है आप इंडिया में पैदा हो गए हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप पैदा हो गए हो पाकिस्तान और इंडिया में, जब से आप पैदा हो गए हो आपको सीधा हाथ से लिखना शुरू किया, आपने सीधा हाथ से लिख रहे हो हर चीज़, मुंह साफ करते हो सीधा हाथ से, कंघा यूज करते हो सीधा हाथ से, गाड़ी चलाते हो सीधा, हर चीज़ से सीधा हाथ से चलाते हो, एकदम आपके अंदर कोई पीछे से कीड़ा करता है और आपके माँ बाप आपको बोलते हैं कि बेटा आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ और वहाँ पर जाके उल्टे हाथ से लिखो। आप बोलोगे अम्मा अब्बा मैं 25 साल से मैं आप लोगों के साथ रहा हूँ, मैंने हर चीज़ सीधे हाथ से की है, सब कुछ किया है, अब मैं उल्टे हाथ से कैसे लिखूँ। वही मकसद है ना कि आप पैदा हो गए एक जगह, एक कंट्री में दिमाग बढ़ गया, माँ बाप बहन भाई दोस्त यार अयाशी बन गई, सब कुछ सेटअप हो गया, आप बोल लो कि ऑस्ट्रेलिया चले जाओ वहाँ जाके उल्टे हाथ से लिखो, तो आप यही बोलोगे कि यार मैं लिख तो लूँगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा वो उल्टे हाथ से लिखने में, समझ रहे हो। तो ये वो एग्जाम्पल है कि हम सीधे हाथ से लिख रहे थे 20-25 साल तक, सही है, पैसे कम कमा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वो मज़ा आ रहा था सीधे हाथ से लिखने में। अब हमें बोल दिया कि उल्टे हाथ से लिखो और उल्टे हाथ से लिख के पैसे कमाओ, तो यार पैसे तो हम कमा लेंगे उल्टे हाथ से हम लिख भी लेंगे, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि वो मज़ा नहीं आएगा, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, समझ रहे हो। आप अपने आप से पूछो, अभी अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो पाकिस्तान में बैठ के, या अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, अपने गिरबान में झांक के देखो, अपने आप से पूछो, शीशे के सामने खड़े होकर पूछो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं अगर तुम ऑस्ट्रेलिया में हो, ये एक सवाल। और दूसरा सवाल, क्या तुम खुश हो, मतलब कर के आ रहे हैं हम लोग भेड़ की टांग बैचलर्स करके आए हैं, वहां पर नंबर वन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, समझ रहे हो, यहाँ पर डबल मास्टर्स की है, समझ रहे हो, उसके बाद हम कर के आ रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं जिंदगी का, कि एक पीआर के लिए भाग रहे हैं, पीआर होने के बाद क्या हो जाएगी, क्या हमारे पास नदी लग जाएगी, हम लोगों के पास ये दिमाग में हो जाएगा हमें मेडिकल फ्री मिल जाएगा, ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या मिल जाएगी कि अगर हम लोगों को जो पास जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट हमें 700 या $800 फोर्टनाइटली दे देगी, सिर्फ ये दो बेनिफिट्स हैं। उसके बाद क्या है तीसरा बेनिफिट, तुम ट्रैवल कर लोगे कहीं पर भी, तुम्हें वीज़ा फ्री हो जाएगा। कितने लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोग तो आज तक मेलबर्न से सिडनी नहीं गए, समझ रहे हो। तो वो दो तीन चीज़ों के लिए हमने अपने सीधे हाथ से लिखना छोड़ के हम उल्टे हाथ से लिख रहे हैं। कैन यू फकिंग इमेजिन कि आपसे कोई बोले कि आप ज़िंदगी में अपना बिस्तर सब कुछ छोड़ दो और आप जाओगे कि अब आप उल्टे हाथ से लिखना शुरू करोगे, तो भाई ये कहानी है। पता नहीं लाइफ के अंदर मुझे समझ नहीं आता मैं सबसे अलग हूँ या दुनिया ही अलग है। हर दिमाग में ये दिमाग होता है कि यार मैं जिस लेवल जो लेवल लेके आया था अपने मुल्क से उस लेवल से मैं नीचे ही जा रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि पैसे के लेवल से, पैसा तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, घर गाड़ी सब कुछ है मेरे पास, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी भी दिखते भी सही है, कपड़े भी अच्छे पहने हुए, सब कुछ सही है, लेकिन वो जो लेवल होता था ना एक इन्जॉयमेंट का, एक लेवल होता था इन्जॉयमेंट का, साला रिलैक्स इन्जॉय, पैसे नहीं भी तभी इंजॉयमेंट चल रहा है, साला उस लेवल से नीचे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा।
अभी बहुत सारे दोस्त मेरे ऊपर हंसेंगे, बोलेंगे यार तू किस टाइप की वीडियो बना रहा है, तू फ्रस्ट्रेट हो गया, तू ये हो गया, तू शादी कर ले, तू बकवास कर रहा है, तू अच्छी जॉब कर ले। अच्छा तो फिर तुम लोग जो सामने बैठे हुए हो, तुम लोगों ने शादी कर ली, दो बच्चे कर लिए, एक बच्चा कर लिया, तो तुम लोगों की पीआर भी हो गई, सिटीजन भी हो गए, तो तुम लोग खुश हो। मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं आता, एक चीज मैंने नोटिस की है, शायद आप लोग नोटिस भी करोगे, मैंने देखा इस दुनिया के अंदर ज्यादातर वो लोग जो कि बैक बेंचर होते थे, या ज्यादा हंसते थे, या दूसरों को हंसाते थे, या दुनिया की केयर करते थे, या दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, या दूसरों से थोड़े से समझदार होते थे, समझ आई, थोड़े से समझदार होते थे, मैंने देखा है कि वही लोग ज्यादातर लोग जिंदगी में आगे जाके ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मी, मैं अपनी जिंदगी में हंसता था, खोलता था, ऐशी करता था, दोस्तों को हंसाता था, यूनिवर्सिटी की क्लास में बैठ के सबको हंसा रहा होता था, सबको हंसा रहा होता था, और आज जब वो हंसी मुझे चाहिए तो साला मैं उन सबके अंदर अकेला हो गया हूँ। मेरे अपने दोस्त में जब अभी जिन मैंने दोस्त नए दोस्त बनाए यहाँ पर, नए शहर में आके दोस्त बनाए, ठीक है फ्रेंड्स ओके, पर लेकिन वो कनेक्शन नहीं है। वो कनेक्शन करने के लिए आपको क्लिक होता है ना, एक क्लिक होता है, आप बच्ची की देख के बोलते हो यार एक क्लिक हो गया था पहली दफ़ों में, समझ रहे हो। अभी मैं अपने दोस्तों को बच्चियों से कनेक्ट कर, आप वो क्लिक नहीं हो पा रहा, मज़ा नहीं, मतलब एक मज़ा होता है ना कि क्या करूँगा मैं अभी, अब मुझे आप बताओ, अभी मेरे पास गाड़ी खड़ी हुई है, मेरे पास पैसा है जेब में, जो चाहिए, जो खाना खाना है खाऊंगा, जो दिल में आए वो करना है, किसी से कुछ नहीं पता, कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि फवाद जावेद इतनी रात हो रही है कहाँ जा रहे हो, कोई ये नहीं फोन करके पूछेगा, कोई ये भी नहीं पूछेगा कि इतनी रात हो गई भाई कहाँ हो, ये भी नहीं पूछेगा, समझ रहे हो। तो मैंने वही दिमाग में लेके आया कि 25 साल सीधा हाथ से लिखा, अभी एकदम माँ बाप बोल रहे हैं कि भाई उल्टे हाथ से लिखो, अबे कैसे लिख लें, उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करेंगे तो भाई जिंदगी के अंदर बहुत सारे हर्फ ऊपर नीचे जाएंगे, अप एंड डाउन आएगा, तब जाके थोड़ी सी लिखाई थोड़ी बेहतर ही होगी, समझ रहे हो। अभी स्ट्रगल के अंदर हमने वो हंसी मिस कर दी, तो मैं उन सब लोगों को ये बोलूँगा कि भाई ये लाइफ की अपडेट है, अभी जो ज़िंदगी गुजर रही है ना इसके अंदर जीना है तुमने, इसके अंदर जीना है, इसके अंदर ये मत सोचना कि माँ बाप बोलेंगे पैसे जमा कर लो उसके बाद वो बुढ़ापे में काम आएंगे, कोई पैसे काम नहीं आएंगे, मैं सीरियस बता रहा हूँ, मैं तो लिटरली मैं इस बात पे फैक्ट हो गया हूँ, मैंने अपनी 6-7 साल के अंदर एक एक्सपीरियंस कर लिया, जो पैसे तुमने अभी खर्च करके उससे एंजॉयमेंट ले ली, समझ रहे हो। फिर फॉर एग्जाम्पल को मैं शॉपिंग पे जाना है, तुमने शॉपिंग पे जाके वो जो पैसे उस वक्त शॉपिंग पे खर्च कर लिए अपने ऊपर, तुम उसमें खुश हो जाओगे। लेकिन अगर ये सोचा कि मैं इन पैसों को जमा करके मैं आगे जाके घर ले लूंगा, मैं आगे जाके बड़ी गाड़ी ले लूंगा, या मैं ये आगे जाके ये कर लूंगा, नहीं होता, मुझसे तो नहीं होता भाई। अपन को क्या चाहिए, अपने को जिंदगी चाहिए अभी, अपने को खुशी होनी है अभी, 35-36 साल जब बाल सफेद हो जाएंगे तब नहीं चाहिए, समझ रहे हो। तो अभी लाइफ अपडेट क्या चल रहा है, बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने बोला आप लोगों को बताऊं तो सही लाइफ क्या चल रही है, तो भाई यही लाइफ चल रही है। लोगों को ये लग रहा होगा कि हाँ भाई यहाँ पे जो पीछे दुकानें खड़ी हुई हैं वो सारे फवाद जावेद ने खरीद ली हैं, समझ लो ये पूरे शॉपिंग सेंटर, अभी यहाँ पर जितने दरख्त लगे हुए हैं उसमें हम जाएंगे और जाके ऐसे पैसे आ जाएंगे। तो पर ऐसे पैसे आने चाहिए ना, वो आ नहीं रहे, पैसे जितने हैं उनसे मैं किसी को खरीद नहीं पा रहा, समझ लो। तो अभी भाई ये लाइफ अपडेट है कि अभी और इस लाइफ अपडेट को और अपडेट कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया को दरवाजे बंद है, अभी ऐसा दड़वा बना दिया है कि यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते और अंदर नहीं आ सकते, समझ लो। बाहर निकलने का मतलब ये कि अपना बेस्ट फ्रेंड की तो शादी हो चुकी है, अभी जब जाएंगे उसके पास 1-2 सालों में, पता नहीं कब कोविड ख़त्म होगा, उस वक्त तक तो बच्चा हो चुका होगा। तो मैं बड़ा रिग्रेट करता हूँ यार, मैंने 4-5 साल अपनी ईगो के रखा कि मैं पीआर लेके जाऊँगा, वो पीआर तो नहीं हो सकी, लेकिन मेरे सारे दोस्त जो है ना लाए इन सबकी शादियाँ हो गई, तो जितना मुझे हंसना था, जितना मुझे डांस करना था, जितनी मुझे इन्जॉयमेंट करनी थी ना, वो तो फकअप हो गई, ठीक है। तो सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट यार मैं तुम सब लोगों से यही बोलूँगा जो ऑस्ट्रेलिया आने का ख्वाब देख रहे हो ना, मैं उन सबको ये बोलूँगा कि भाई मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ, मैं अपने आप को लाइफ अपडेट दे रहा हूँ, मुझे किसी का आई डोंट गिव अ डैम यार, कोई किसी से मुझसे बोले कि तेरी फवाद ये वीडियो में मैंने ये देखा वो देखा, मैं सबको ही बोलूंगा कि भाई तू जहाँ खड़ा है ना उस मोमेंट को एंजॉय कर ले, समझ रहा है, क्योंकि जब वो टाइम गुजरेगा ना, जब वो टाइम गुजरेगा तू बोलेगा यार मैं उस वक्त ही कर लेता ये। तो जितने लोग ऑस्ट्रेलिया आने का सोच रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हैं या ये सोच रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ गए हम पीआर के बाद एंजॉय करेंगे, तो मैं उनको बोलूंगा कि बेटा पीआर तो तुम्हारी जब होगी तब होगी, और इवन तुम्हारी अगर पीआर हो भी गई और तुम सिटीजन भी हो, तो मेरी वीडियो देख रहे हो और मुझ पर देख के हंस रहे हो कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो अपनी जिंदगी में देखो, अगर तुम बहुत ज्यादा समझदार हो गए ना तो तुम ज्यादा जिंदगी में स्ट्रगल किया होगा, तुमने ज्यादा स्ट्रगल, वो जो बेवकूफ़ होते थे ना जिनके हम लोग ले रहे होते थे, जिन पर हम हंस रहे होते, जिसके हम चुटड़ों पर चमाड़ लगा के बाहर निकल जाते थे, हाँ भाई चल
हमने देखा वो ज्यादा कामयाबी में से निकल जाते हैं, वो खामोशी से ना चिंदी चोरों की तरह निकल जाते हैं। हम जैसे लोग साले जिनके अंदर, हम लोगों के अंदर ये होता है ना कि हम ज्यादा समझदार हैं, हम अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं, तो वो ज्यादा समझदार मैंने देखा है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा, मेरे सराउंडिंग में भी बहुत सारे समझदार दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे रिसेंटली जो मैंने दोस्त बनाए वो बहुत सारे समझदार हैं, वो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप को सब समझते हैं कि भाई हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो जो ऑलरेडी यहाँ पर सेटअप है वो भी अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ लो लिटरली। तो लाइव अपडेट देने का बस मकसद ये था कि गाइज सीरियसली जो मोमेंट है उसमें एंजॉय करने का। ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर बंद है, आप अंदर नहीं आ सकते अभी। जो 50 या 60 स्टूडेंट आए थे वो भी सब रोक दिए उन्होंने, उन्होंने बोला रुक जाओ। और ये मेरी प्रेडिक्शन है कि ये पूरा साल 2021 भी पूरा साल बॉर्डर क्लोज ही रहेंगे। कहीं मेलबर्न में 3 केस आ जाते हैं, 24 घंटे में मेलबर्न बंद कर देते हैं। कभी सिडनी में 10 केस आ जाते हैं, 24 घंटे में भेड़ के 2 दिन में सिडनी बंद कर देते हैं। ना फ्लाई कर सकते हो इन, ना फ्लाई कर सकते हो आउट। यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले लिया, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे होंगे फवाद हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया उसका बताओ। अबे भाई तुमने अपना व्लॉग चैनल बनाया था कि मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, तो वो यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ कि तुम लोगों को ऑस्ट्रेलिया अभी इमिग्रेशन बहुत हार्ड हो गई है। तो अभी मैं और तुम लोगों को ये बताऊं कि अगर तुम लोगों ने एडमिशन ले लिया, तुम्हारा ऑफर लेटर आ गया, तो तुमसे वो पहला या 2 सेमेस्टर वहीं पर बैठ के तुमसे पैसे लेंगे यूनिवर्सिटी वाले, और तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाएंगे, समझ लो, और तुम्हें वीजा भी दे देंगे, हो सकता है तुम्हें वीजा भी दे दें, लेकिन तुम यहाँ पर फ्लाई इन नहीं कर सकोगे क्योंकि बॉर्डर क्लोज है, समझ रहे हो। तो भाई जहां हो इंजॉय करो, अगर तुम्हारे पाकिस्तान या इंडिया में कहीं पे भी कोविड चल रहा है ना, तो उस मोमेंट को भी इंजॉय कर लो, समझ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हंस नहीं रहा कि खुदा ना खास्ता किसी के, मेरे भी कोई क्लोज किसी को हो सकता है कोविड, लेकिन जो मोमेंट है ना उसको इंजॉय करने का, समझ रहे हो। तो भाई ये है लाइफ अपडेट, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जहां पर भी खड़े हुए हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, 7-Eleven पे खड़े हुए हो, ऊपर चला रहे हो, टैक्सी चला रहे हो, या अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, अभी भी वीडियो कहीं पे भी देख रहे हो और वीडियो देख के हंस भी रहे हो, तो भाई हंसने में भी इंजॉयमेंट कर लो। तो बस यही है, और वीडियो आती रहेंगे, आपको बताता रहूंगा कि भाई यहाँ पे लाइफ कैसे चल रही है। अभी लाइफ तो फिलहाल फकअप हुई है, मतलब विद इन द सिटीज लाइफ ओके है, लेकिन आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। मुझे बाहर जाना था, मैं पिछले 2 साल पहले, मैंने जब मैं पाकिस्तान गया था 1.5 साल पहले, तो मैंने प्लान किया था कि मैं नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान जाऊंगा, अब मैं पाकिस्तान नहीं गया। तो मैं अपना रिग्रेट आपको बता रहा हूँ कि भाई जो प्लान कर रहे हो उसी प्लान को उसी में इंजॉय कर लो, समझ लो। ऑस्ट्रेलिया आना ज़रूर आओ, इंजॉय करना ज़रूर करो, लेकिन जितनी जवानी है ना उसको इंजॉय कर लो, क्योंकि उस जवानी, वो जो एक दफ़ा जवानी निकल गई तो फिर नहीं आनी। फिलहाल बहुत ज़्यादा चीख लिया, बहुत सारा लाइफ अपडेट दे दी। गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अपने लोगों का ख्याल रखो, अपने इर्द गिर्द में जितने लोग हैं उनके साथ हंसो, खुलो, मूलो, को करना है करो, क्योंकि ये वाला मोमेंट दोबारा नहीं आना। हाँ, बहुत सारा ख्याल रखना, नाम पवा दे दुआओं में रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।